नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जय जय न्यूज के एक और खास रिपोर्ट में। हल्द्वानी में बारिश का दौर शुरू हो गया है। हर जगह पर झमाझम बारिश सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिल रही है, लेकिन आज जब जेजेएन की टीम ग्राउंड जीरो पर निकली तो जेजेएन की टीम ने देखा कि किस तरह से हल्द्वानी में बिजली के खंभों की हालत बनी हुई है। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है वो हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम के पास की है। मेरे बाएं हाथ पर होटल ओके मौजूद है और दाएं हाथ पर ये जो खंभा है बिजली का, ये मौजूद है। इसकी हालत ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना जर्जर ये पोल हो चुका है। ये पोल कभी भी दुर्घटना को दावत दे सकता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसकी साइड में जो ये सीसीटीवी कैमरे का जो खंभा है वो पूरी तरह बिजली के पोल पर गिरा हुआ है, पूरे उस पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। चलती फिलती ये सड़क है, आप देख सकते हैं कि तमाम वाहन यहाँ से रोज आवाजाही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह बरसात के मौसम में इस बिजली के पोल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी जनता को दिखाए कि किस तरह से हल्द्वानी में बिजली के पोल की हालत है। जंग पूरे पोल पर लग चुका है, लेकिन सुधारीकरण नहीं हुआ है। अगर आप ऊपर तस्वीरें देखेंगे तो सारे तार जो हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको व्यवस्थित नहीं किया गया है। ऐसे में अगर बारिश होती है, करंट आता है, तो किसी भी तरह की दुर्घटना जो है वो यहाँ पर हो सकती है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पर सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं है, क्यों नहीं अभी तक इसके सुधारीकरण का काम हुआ है, क्योंकि बिजली की बोर्ड बताने के लिए काफ़ी है कि इनको मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद भी मरम्मत जो है वो नहीं हो पाए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये सड़क आवाजाही के लिए हमेशा व्यस्त रहती है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर तैनात है, उसके बावजूद भी किसी तरह की जो सुध है वो नहीं ली गई है। अगर जानकारी मैं आपको दे दूं कि पिछले साल भी बारिश के चलते हल्द्वानी में तमाम ऐसी जगह थी जहां पर बिजली के खंभों का फॉल्ट हुआ, उससे तमाम जगहों पर दुर्घटनाएं होने से बच गई, लेकिन उससे सबक लेने के बावजूद भी अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई जो है प्रशासन की ओर से नहीं की गई है इस ओर। और अब बरसात जो है वो शुरू हो गई है। कल या परसों में मानसून जो है वो पूरी तरह से उत्तराखंड में दस्तक दे देगा, और 2 से 3 दिनों से बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्यों नहीं इन बिजली के खंभों को सुधारा गया है, क्यों नहीं इन पर काम किया गया है, और कब तक ये जो काम है वो किया जाएगा, क्या इस पर काम किया जाएगा या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हल्द्वानी की और जगह आपको लिए चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हेलो, तो आज मैं आया हूँ डिज्नीलैंड वाटर पार्क। ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्विमिंग पूल्स हैं, यहाँ पे वेव्स पूल भी है, बहुत मजा आया मुझको यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके डिज्नीलैंड में आके, और हमें बहुत मजा आ रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही। मैं भी अपने फादर के साथ आया हूँ, काफी फन किया हमने, स्लाइड्स ली। कैसा लग रहा है? अच्छा, फैमिली के पर्पस से बहुत बढ़िया, एंजॉय करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बच्चों ने हमारे काफी एंजॉय करा है। साफ सफाई बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है उधर, सारा अच्छे से, मतलब बैग वैग रखने का उसका, कैंटीन भी है, कैंटीन के रेट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ आके। और स्टाफ भी काफी अच्छा है यहाँ का। हमारा प्राइस जो है 500 रुपए का है, बच्चों के लिए जो है हमारे वहाँ 300 रुपए एंट्री फीस है, 5 साल तक के बच्चे की। हमारे पास बच्चों के लिए एक अलग स्विमिंग पूल है, बड़ों के लिए हमारे पास मेजर स्लाइड्स वगैरह है जो 30 फुट से लेकर के 8 फुट तक की है। हमारे गेस्टों के लिए रेन डांस और सेल्फी पॉइंट जिसमें झरना रहता है अवेलेबल है, कैंटीन का एरिया, बैठने की व्यवस्था और साथ में ही भोजन का आनंद आपको सभी प्राप्त होगा। हम 2 कदम की दूरी पर ही पहुंचे थे तो एक बार फिर से हमें एक और पोल दिखा जिसकी हालत जो थी वो दर्जा बनी हुई थी। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाया ये पोल की। ये जो पोल है वो जिला क्रीड़ा अधिकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास ही मौजूद है और इसकी हालत जो है वो बद से बदतर यहाँ पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं तारों का जंजाल आप ऊपर की साइड देख सकते हैं, और अगर मैं एक बार पूरी तस्वीरें दिखाऊँ यहाँ से आगे तक, क्या आप देख सकते हैं तार ऐसी हवा में यहाँ पर लटके हुए हैं, तारों का जंजाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तार जो है ऊपर से नीचे खंभों की तरफ भी लटके हुए हैं और ऐसे में हादसों का खतरा कहीं ना कहीं यहाँ पे बना हुआ है। और ये बताने के लिए ये पोल जो है वो काफी है कि इनको मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद भी इनको मरम्मत नहीं दी जा रही है। सालों से ये पोल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई
ना तो प्रशासन की तरफ से की गई है और ना ही किसी जो संबंधित विभाग है उसकी तरफ से इस पर कोई कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं तार जो है यहाँ पे ऐसे लटके हुए हैं, बरसात का मौसम है लेकिन उसके बावजूद भी इन तारों को व्यवस्थित नहीं किया गया है। दो कदम की दूरी पर ही हम मौजूद हैं, हमें दो कदम की दूरी पर इस तरह की हालत यहाँ पे देखने को मिली है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ना होना एक बड़ा सवाल प्रशासन पर और संबंधित विभाग पर खड़ा करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ऐसे पोल होंगे जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, जिनको सुधारीकरण की आवश्यकता है लेकिन उसके बावजूद भी उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए और जगह आपको लिए चलते हैं, वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब हमारी मौजूदगी है हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन में। आप मेरे बाएं हाथ की तरफ देख सकते हैं कि रोडवेज बस स्टेशन है, वहीं दूसरी तरफ हम यहां पे मौजूद है क्योंकि यहां पर जब हमारी टीम यहां से गुजर रही थी तो एक और खंभा हमें यहां पे मिला बिजली का, उसकी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो तारों का जंजाल यहां पर फैला हुआ है, तार जो है वो इसी तरह जमीन पर गिराए गए हैं। लेकिन अगर तस्वीरें आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा खंभा है वो एक साइड को झुका हुआ है, यानी कि एक तरफ को वो झुक गया है, जिससे कहीं ना कहीं ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ये जो खंभा है ये सालों पुराना हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। जंग पूरे खंभे में लग चुका है लेकिन किसी भी सुधारीकरण का काम नहीं किया गया है। रोडवेज बस स्टेशन यहाँ पे मौजूद है, हजारों की संख्या में यहाँ पर यात्री सफर करते हैं, हजारों की संख्या में लोग जो पर्यटक है वो यहाँ से नैनीताल की तरफ रुक करते हैं, गाड़ियां यहाँ पे आती हैं, रोडवेज की गाड़ियां आती हैं, नैनीताल रोड इस सड़क को कहा जाता है, तमाम लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें देखना कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। संबंधित विभाग को इस और ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में यहाँ पर बिजली का फॉल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हादसा जो है वो हो सकता है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब ये खंभे इतने पुराने हो गए हैं, बिजली के पोल इतने पुराने हो गए हैं, क्यों नहीं इनको सुधारा गया है, क्यों इनका सुधारीकरण नहीं किया गया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे आपको लिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हल्द्वानी में बिजली के खंभों की क्या स्थिति है, क्या उनका काम किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अभी तक जो हमने आपको दिखाया है वो हल्द्वानी के मेन जगहों की जगह लेकर हम आपको गए थे, वहाँ की तस्वीरें हमने दिखाई। रोडवेज में इस वक्त हम मौजूद हैं, आगे को लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो अब हम मौजूद हैं हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के पास, ख्वाजा मस्जिद के पास जो मौजूद है किदवाई नगर, यहां पर हमारी मौजूदगी है। जब यहां से हम गुजरे तो यहां पर हमें एक बार फिर से पोलों की हालत अच्छी नहीं दिखाई दी। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगे एक बार पोलों की हालत यहाँ पे दिखाई दे कि किस तरह से यहाँ पर बिजली के पोल की हालत बनी हुई है। एक तरफ को पूरी तरह से बिजली का पोल जो है वो लटक गया है और कभी भी इससे दुर्घटना जो है वो हो सकती है। लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं, अगर आप तस्वीरों में देखें तो दो पहिया वाहन भी यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन को जाने का रास्ता है, लोग यहाँ से पैदल आवाजाही करते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कतें इन पोलों की वजह से लोगों को होती होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही पोल नहीं है बल्कि तमाम ऐसे पोल हैं। अगर मैं आपको आगे लिए चलूँ तो आपको दिखाना चाहूँगी कि आगे भी ऐसे ही तमाम पोल ऐसे मौजूद हैं जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, जो एक तरफ को पूरी तरह से झुके हुए हैं लेकिन किसी तरह की कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। अगर तस्वीरें आप इस पोल की देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरा घर की तरफ को ये जो पोल है वो लटक गया है, ऊपर तारों का जंजाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेकिन किसी भी तरह की व्यवस्थाएँ जो हैं इन पोलों को लेकर नहीं की गई है। वहीं तस्वीरें अगर मैं पीछे की साइड की दिखाऊं तो ये तीसरा पोल एक ही जगह पे खड़े हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, जो पूरी तरह से जंग लगा हुआ है, एक साइड को लटका हुआ है, ऊपर तारों का जंजाल यहाँ पर है, मौजूद है लेकिन ना तारों को व्यवस्थित किया गया है और ना ही किसी भी तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं लेकिन किसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं दिक्कतें लोगों को यहाँ पर होगी क्योंकि बरसात के मौसम में अगर फॉल्ट हुआ लोगों को बिजली की दिक्कतें होंगी, बिजली से गर्मी में लोग परेशान होंगे, तो कहीं ना कहीं विभाग को इन सभी पोलों पर काम करने की आवश्यकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट, मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा और भूमि के साथ, जेजेएन न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।